मंडवा से निकल के हम आ गए हैं मंडवा पोर्ट पर। फिलहाल हम हैं मंडवा बीच पर। से निकल के हम आ गए हैं मांडवा पोर्ट पर। फिलहाल हम हैं मांडवा बीच पर। मेरे पीछे जो बीच आपको देखने के लिए मिल रहा है ये है मांडवा बीच। छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत बीच है। मांडवा बीच के पास वो जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो है मांडवा पोर्ट। सो गाइस बात करते हैं मांडवा पोर्ट की। मांडवा पोर्ट से आपको मिलेगी एक जेटी जो कि आपको मांडवा से मुंबई लेकर जाएगी। तो भाई अगर आप अलीबाग आए हो और अलीबाग से आप वापस मुंबई ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप मुंबई से अलीबाग ट्रैवल कर रहे हो तो M2M जेटी आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रैवल ऑप्शन रहने वाला है। क्योंकि गाइस इस जेटी के अंदर आप अपनी बाइक, अपना कार या अपना कोई भी व्हीकल, साइकिल या फिर आपके साथ में अपना पेट है उनको लेके सीधा जा सकते हो जेटी के अंदर। और वो जेटी आपको मांडवा से सीधा ड्रॉप करेगी गेटवे ऑफ इंडिया पे। तो गाइस अगर आप अलीबाग से मुंबई ट्रैवल करना चाहते हो विद अ डिफरेंट एक्सपीरियंस तो आपको डेफिनेटली मांडवा आके यहाँ से फेरी लेके और मुंबई जाना चाहिए या फिर मुंबई से फेरी लेके अलीबाग आना चाहिए। बात करते हैं अगर प्राइसिंग की तो गाइस M2M फेरी में आपको 3 टाइप्स ऑफ टिकट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट इज़ 1500 रुपीज़ जो कि एस्कोडा सुपर्ब लॉज जिसे बोला जाता है। सेकेंड इज़ एस्कोडा ऑक्टाविया लॉज जो कि कुछ 460 रुपीज़ का होता है। एंड थर्ड वन इज़ 380 रुपीज़ फॉर पर पर्सन। इसके अलावा अगर आप अपना बाइक या कार लेकर जा रहे हो तो आपको पर व्हीकल 210 रुपीज़ पड़ेगा फॉर टू व्हीलर्स, और फोर व्हीलर्स के लिए ये आपको पड़ेगा कुछ 1200 रुपीज़ फॉर पर व्हीकल। फेरी के रेट्स बहुत ही रीजनेबल है बिकॉज अगर आप बाय रोड यहाँ से ट्रैवल करेंगे मुंबई के लिए तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रन रहता है। आप बाइक से जाओ या कार से जाओ आपको ऑलमोस्ट उतना ही एक्सपेंस आने वाला है, उतना ही खर्चा आने वाला है जितना कि आपको फेरी से आ जाएगा। तो गाइस मेरे सजेशन से ये रहेंगे कि अगर आप अलीबाग आए हो और आपको मुंबई ट्रैवल करना है या फिर आप मुंबई से अलीबाग ट्रैवल कर रहे हो तो आप फेरी प्रेफर करो, आप जेटी प्रेफर करो। जेटी से आप अपना व्हीकल, अपना बाइक, अपना कार कुछ भी लेके सीधा मुंबई जा सकते हो और मुंबई से अलीबाग आ सकते हो। कार का रेट क्या है सर? कार कैटेगरी है स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल, तो अलग अलग कार का एज पर साइज के। हैचबैक और एसयूवी का? एसयूवी वैसे तो 1400 है, 1420। ओके। और मीडियम जैसा सियाज, सिटी वगैरह वो 1220 है, और स्मॉल कार जब तक स्वीट मीटर है आई 10 वगैरह वो 1020 एंड देन एक्सेल वाला इनोवा एंडेवर फॉर्च्यूनर है जो एक्सेल कैटेगरी है।
तो गाइस अभी हम आ गए हैं M2M जेटी में, हमने हमारा बाइक पार्क कर दिया है, वो आपको पीछे देखने के लिए मिलेगा। और हमारे साथ साथ बहुत सारी बाइक्स और कार्स ऑलरेडी इस जेटी में आ चुकी है। तो भाई अभी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर और देखेंगे क्या व्यूज़ रहने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ से देखेंगे सनसेट का नज़ारा और आपको देंगे क्विक टूर अबाउट M2M जेटी फ्रॉम अलीबाग टू मुंबई। तो फटाफट चलते हैं ऊपर और देखते हैं भाई जेटी की क्या सेटिंग है। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. तो भाई टाइम हो गया है 6:30, सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है और हमारा क्रूज़ निकल गया है मांडवा पोर्ट से गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए। तो ये है क्रूज़ का आउटडोर सिटिंग एरिया, जहां पर बैठ के आप सनसेट देख सकते हैं, अरेबियन सी के नज़ारे देख सकते हैं और ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले सकते हैं।
तो अब चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्रूज़ की कुछ और चीज़ें और बताएंगे क्रूज़ की डिटेल्स। तो ये है हमारे M2M फेरी के क्रूज़ का पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ, अपने व्हीकल्स, अपने कार, अपने मोटरसाइकिल्स को पार्क कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पर हमको पार्किंग स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कार्स को पार्क किया जा सकता है। तो अभी हम हैं क्रूज़ के फर्स्ट फ्लोर पे, जिसको कहा जाता है एस्कोडा ऑक्टाविया लॉन्च। ये है M2M फेरीज़ का सबसे चीपेस्ट लॉन्च। इसमें भी आपको इंडोर और आउटडोर सीटिंग एरियाज मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट भी आपको इसमें मिल जाता है। फ़िलहाल हम जाएंगे यहाँ से ऊपर सेकंड फ्लोर पे एस्कोडा सुपर्ब लॉन्च के लिए, क्योंकि हमने जो टिकट लिया है वो है एस्कोडा सुपर्ब लॉन्च का टिकट। तो फटाफट से चलते हैं सुपर्ब लॉन्च में और आपको बताते हैं कि वहाँ हमको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो ये है क्रूज़ का सेकंड फ्लोर द्वितीय तल, जिसको कहा जाता है एस्कोडा सुपर्ब लॉन्च। यहाँ पे आपको आउटडोर सीटिंग एरियाज मिल जाते हैं, जहाँ पे सोफ़ा वगैरह मिल जाते हैं और साथ ही एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सा एम्बियंस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है सीटिंग लॉन्च और रेस्टोरेंट का। और नो डाउट ये जो लॉन्च है, ये एस्कोडा ऑक्टाविया लॉन्च से काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। इस क्रूज़ की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी वो ये है कि अगर आपके पास एस्कोडा सुपर्ब लॉन्च का टिकट है तो आप इस क्रूज़ में किसी भी एरिया में जाके घूम सकते हो, विज़िट कर सकते हो। तो ये है एस्कोडा सुपर्ब लॉन्च का बैक साइड, जहाँ पे हमको एक बार देखने के लिए मिल जाता है और बहुत ही अच्छे से एम्बियंस के साथ में सीटिंग लॉन्च देखने के लिए मिल जाता है। अगेन हमको यहाँ पे सोफ़ा मिल जाते हैं बैठने के लिए और चिल करने के लिए। तो अगर आप इस क्रूज़ में आके कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके अपने ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है एस्कोडा सुपर्ब लॉन्च का इंडोर सीटिंग एरिया, बहुत ही लग्जूरियस सा ये सीटिंग एरिया हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर बैठ के आप सुपर लग्जूरियस पीसफुल ट्रैवलिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे मुंबई पोर्ट पे, गेटवे ऑफ इंडिया के पास। सामने जो आपको लाइट्स दिख रही है वो है मुंबई के लाइट्स।
तो मुंबई पहुंचने से पहले मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलता हूं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको दिखाता हूं एस्कोडा ऑक्टाविया लॉन्च का इंडोर सीटिंग एरिया। तो अब हम आ गए हैं एस्कोडा ऑक्टाविया लॉन्च में और ये है वहां का इंडोर सीटिंग एरिया। काफ़ी अच्छा और काफ़ी लग्जूरियस सा हमको यहाँ पर भी सीटिंग एरिया देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही हमको मिल जाते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट्स जहाँ से आप अपना कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। एयरपोर्ट से हमने ली थी जेटी और जेटी से अब हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। अब से कुछ ही देर में हमारा जेटी लग जाएगा अपने टैग पे और हम पहुंच जाएंगे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास। तो गाइस इस जेटी से हमको मांडवा पोर्ट से मुंबई पोर्ट आने में कुछ 50 और 55 मिनट्स का टाइम लगा। एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था गाइस। तो भाई अगर आप अलीबाग से मुंबई ट्रेवल कर रहे हो या फिर मुंबई से अलीबाग ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये M2M जेटी प्रेफर करना चाहिए एक अलग एक्सपीरियंस के लिए, एक नए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए। बाकी गाइस जेटी का साइज़ बोइंग 747 से भी ज़्यादा बड़ा है और जेटी के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मेरे पीछे आपको व्यू देखने के लिए मिल रहा है एस्कोडा ऑक्टाविया लॉज का, जिसका टिकट है 460 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा इसमें और दो क्लास है, जो एक क्लास है वो है 1500 रुपीज़ पर पर्सन, इसमें आपको प्राइवेट डेक मिलता है, और एक क्लास जो है वो है 380 रुपीज़ की, जिसमें आपको एस्कोडा ऑक्टाविया से नीचे वाले फ्लोर पर रहना पड़ता है। वहाँ पर भी रेस्टोरेंट है, सीटिंग एरिया है, डेक है, सब कुछ है, लेकिन ये वाला लॉज उससे थोड़ा सा लग्जूरियस है। तो गाइस बने रहिए मेरे यानी कि नरेंद्र के साथ आपके अपने YouTube चैनल नोमेड जयपुर एट पर। फिलहाल के लिए हमारा जेटी पहुंच गया है पोर्ट पर और अब यहां से हम निकलेंगे मुंबई के लिए। अगर बात की जाए जेटी की साइज़ की तो गाइस इस M2M जेटी का साइज़ बोइंग 747 से भी ज़्यादा बड़ा है। इस जेटी में ऑलमोस्ट एक बार में 500 लोग आ सकते हैं विद देयर व्हीकल्स। गाइस अभी हमारा शिप लग गया है पोर्ट पे और अभी हो गई है डीबोर्डिंग स्टार्ट, तो हम चलेंगे फटाफट से, हमारी बाइक निकालेंगे और निकलेंगे मुंबई में अपने ठिकाने की तरफ। सो गाइस इसी के साथ महाबलेश्वर और अलीबाग के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल नोमेड जयपुर राइड पर मेरे यानी कि नरेंद्र के साथ। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नई ट्रिप पे, एक नए सफर में। We'll be right back.